हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स टू द होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में हम मॉक टेस्ट JKSSB के लिए जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन का थॉट लेके आए हैं जो कि आपकी पोस्ट ऑफ क्लास फोर्थ है। तो यहाँ पर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, आपको क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस कराएंगे। हम आपका जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस है। तो यहाँ पर हम जनरल अवेयरनेस में से जो पोर्शन हमने लिया है वो कौन कौन सा क्वेश्चन है हम वो देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इनमें जो हम जिन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे वो होंगे आपके जनरल साइंस से, जैसे कि फिजिक्स से क्वेश्चन होंगे, आपके केमिस्ट्री से होंगे, बायोलॉजी से होंगे, आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन होंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड होंगे और जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे पहली वीडियोस नहीं देखी है, अभी तक हम 40 प्लस वीडियोस जो है वो इस पे अपलोड कर चुके हैं और 3 वीडियोस ऐसी है जो कि मॉक टेस्ट बनाया गया है जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, तो आप वो जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले एक क्वेश्चन से जो कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1, यूरिया इज फॉर्म्ड इन। कंप्लीट जो है आपको इसके ले है एक वीडियो जो है वो अवेलेबल है, वो आपको पढ़ाई गई है जनरल साइंस की वीडियो जिसमें हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनीज, इन सारे के बारे में जो है वो पढ़ लिया है। तो यूरिया इज फॉर्म्ड इन, यूरिया कहाँ पर बनता है? तो आप बोलिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, लीवर, स्प्लीन, किडनी और लंग्स। तो हमने पढ़ा है अपनी वीडियोज में अच्छे से लेक्चर में कि यूरिया जो बनता है वो लीवर में बनता है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एयर रीचिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लंग्स इज। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो आपका जो है वो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन है, तो हमें ये ऑर्डर बोलना है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एयर रीचिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो एयर जो है एटमॉस्फेयर से जो आती है हमारे लंग्स तक जाती है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले एयर जो एक्सटर्नल नेयर्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में जाती है, फिर एयर सैक में जाती है। इसके लिए भी जो है एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो रेस्पिरेशन की चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए और ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा बायोलॉजी से रिलेटेड और चैप्टर आपका जो होगा वो डाइजेशन होगा। तो यहाँ पर डाइजेशन से हम क्वेश्चन देखेंगे, डाइजेशन ऑफ द फूड इन ह्यूमन स्टार्ट्स फ्रॉम। डाइजेशन की कंप्लीट वीडियो जो है चैनल पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है डाइजेशन जो होती है फूड की, खाने की जो डाइजेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो क्या ड्यूडेनम से होती है, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, या माउथ से होती है, या लार्ज इंटेस्टाइन से? तो डाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो आप जो है एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो डाइजेशन ऑफ द फूड जो होगा वो ह्यूमन में कहाँ से स्टार्ट होगा? माउथ से स्टार्ट होगा। और इसी के रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड आपके लिए और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो भी आपको जो है पढ़ने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लड वेसल कैरी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट। ब्लड वेसल जो होते हैं वो ब्लड को लेते हैं, लंग से पहुंचाते हैं ब्लड को हार्ट तक, तो किसके जरिए? क्या पल्मोनरी आर्टरी है, क्या पल्मोनरी वेन है, कोरोनरी आर्टरी है, या नन ऑफ दीज है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो पल्मोनरी वेन होगा। सो पल्मोनरी वेन के जरिए ब्लड वेसल जो है वो कैरी करते हैं ब्लड लंग्स से जो है वो ब्लड कैरी करते हैं और उनको जो है वो हार्ट तक जो है वो पहुंचाते हैं। तो याद रहे आपको पल्मोनरी वेन्स, और यहीं पर आपको पल्मोनरी आर्टरी का भी जो है फंक्शन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये नेफ्रॉन से है, तो इसके लिए जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो भी वीडियो शायद अपलोड की हुई है, एक बार चेक करना पड़ेगा। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। 2 न्यूरॉन्स है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसकी एक एनाटॉमी आप देख सकते हैं न्यूरॉन का, इसके जो ये निकले होते हैं थ्रेड से हम डेंड्राइट कहते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है। इस पोर्शन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पोर्शन होता है हम इसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसके बाद एक और जो है वो न्यूरॉन लगा होगा और जो गैप होता है इन 2 न्यूरॉन्स के बीच में उसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट नहीं कहते हैं, साइनैप्स जो है कहा जाता है, एक्सॉन भी नहीं कहते, इम्पल्स भी नहीं कहते। तो करेक्ट जो होगा वो साइनैप्स होगा। तो आप एक बार जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है देख लेना इंटरनेट से गूगल कर, तो साइनैप्स होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा,
क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग दैट आर, यहां पर पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस करती है अपने ऑफस्प्रिंग। वो ऑफस्प्रिंग क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने सिबलिंग्स के, नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ द दीज। करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो क्या होगा, वो बोथ ए एंड बी। तो आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिफरेंस भी पता होना चाहिए। एसेक्सुअल से जो है जो भी ऑफस्प्रिंग आते हैं, ऑफस्प्रिंग मतलब नई जनरेशन जो भी आती है वो सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, इन सारों से जो है वो सिमिलर होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन होगा, ये फिजिक्स से रिलेटेड है आपके ऑप्टिक्स चैप्टर से। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इक्वल टू द फोकल, अब चार ऑप्शन है, इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या इक्वल होगा, क्वेश्चन नंबर सेवन का लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस या ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर सेवन का वो क्या होगा, लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन का जो होगा, द फोकल लेंथ जो होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। तो याद रखेंगे वो लेस होती है देन द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए रे पासेस थ्रू द प्रिज्म, हमारे पास एक प्रिज्म है, ये हमारे पास सपोज एक प्रिज्म है, और जब भी हम इस प्रिज्म से कोई रे पास करते हैं तो क्या होता है इस रे का, क्या ये रे जो है वो बेंड हो जाती है, क्या ये रे अपवर्ड चली जाती है, या रे जो है स्ट्रेट आगे चली जाती है, या ये रे जो है बेस के पैरेलल यानी कि स्ट्रेट जाती है। तो आपको ये देखना है कि ये क्या ये डेविएट ही नहीं होती है। तो आपको ये याद रखना होगा, व्हेन ए रे पासिस थ्रू प्रिज्म, जब कभी कोई हम रे प्रिज्म से पास करते हैं, इट बेंड्स टूवर्ड्स द बेस, तो ये बेस की तरफ जो है ये बेंड हो जाती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर टेन है, फिजिक्स से रिलेटेड ही है साइंस से। इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इन इंक्रीज, अगर टेम्परेचर हम किसी भी कंडक्टर का जो है वो कंडक्टर का टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो इसके रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस का क्या होगा, तो रेजिस्टेंस भी जो होगा वो भी इनक्रीज होगा। तो याद रहे तो ऑप्शन आपका जो होगा वो इनक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज, जो रेजिस्टेंस होता है ऑफ आइडियल वोल्टमीटर जीरो नहीं होगा, लोब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज होगा, बट इनफिनाइट हो सकता है, कि इनफिनाइट पी हो सकता है अगर हम पोटेंशियल मीटर का यूज करेंगे, तो आपके यहाँ पे जो है वेरी लार्ज जो है वो मोर अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली जो है वो इन्फिनाइट नहीं रहता, तो आप वेरी लार्ज को जो है वो आप टिक कर लेना। एंड इलेक्ट्रिक, और आपको जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर है तो एमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैंने फिर जो है वीडियोस में जो है वो फिजिक्स में ये पार्ट अभी डिस्कस नहीं किया है, इस पर अलग से वीडियोज होगी, तो इसके लिए जो है बेफिक्र है, अलग से जो हम ये कम्प्लीट में पढ़ाएंगे आपको रेजिस्टेंस एमीटर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर। एक जनरल क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सही है इज फिल्ड विद, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस जो है भरी जाती है, क्या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, अमोनिया है, या नाइट्रोजन एंड ऑर्गन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, तो ए बी सी डी करके नहीं लिखना, बल्कि ऑप्शन का जो है वो नाम लिखना कि इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन भरी जाती है, ऑर्गन भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है, जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके अंदर क्या भरा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है कुछ क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से कंप्लीट कर लिया, बायो से कंप्लीट कर लिया, अब हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। द मोस्ट एबोंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, अर्थ क्रस्ट में जो है मोस्ट एबोंडेंट मेटल कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रहे एल्यूमिनियम होगा। द मोस्ट एबोंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लेस चेरस, देखिए नॉन मेटल जो होते हैं, मेटल और नॉन मेटल का अगर हम डिफरेंस देखें, जो मेटल होते हैं वो तो लेस चेरस होते हैं, शाइनी होते हैं,
लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, उनमें चमक नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई एक्सेप्शन जो केस होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी जो है ये शाइनिंग लस्ट्रस है, ठीक है, लस्टर शो करता है, शाइनिंग शो करता है, तो याद रहे आपको आयोडीन होगा। तो यहीं पर केमिस्ट्री से अगला क्वेश्चन होगा गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ रोटेटिंग द आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग विद अ थिन लायर ऑफ। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो किस प्रोसेस को कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन जो है, जैसे कि आपका कोई भी आयरन रॉड है उसको अगर हम वाटर में रख देते हैं, वाटर में रखते हैं, एयर से इनके साथ मिलके जो रिएक्शन से जो है उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, ठीक है। आप ये मैंने पढ़ाया भी अपनी केमिकल रिएक्शंस में, बेसिकली वो वीडियोस में आप देख सकते हो, केमिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 10 प्ले लिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि 10th क्लास की ही वो वीडियोस हैं, तो उसमें कंप्लीट रिएक्शंस के बारे में जो है वो पढ़ाया गया है, तो आप एक बार जरूर देख लेना वो। तो गैल्वेनाइजेशन जो है इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द आयरन फ्रॉम, गैल्वेनाइजेशन जो वो मेथड है इससे हम आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम रस्टिंग बाई कोटिंग विद अ थिन लायर ऑफ। किसकी लायर से हम इसे कवर करते हैं? तो याद रहे ये जिंक की लायर से हम इसको कवर करते हैं। तो 15 का आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। तो याद रहे गैल्वेनाइजेशन में जिंक से जो हम कवर करते हैं आयरन को। द लाइटेस्ट लिक्विड मेटल इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइटेस्ट लिक्विड मेटल, एक लिक्विड मेटल है, पहले याद रखना लिक्विड मेटल कौन से है, और फिर यहाँ पर पूछा गया था लाइटेस्ट लिक्विड मेटल इज, तो लाइटेस्ट लिक्विड मेटल जो है वो सीजियम है, तो याद रहे आपको सीजियम इज द लाइटेस्ट लिक्विड मेटल। तो आप हमारे साथ जो है फेसबुक पे पेज पे आप जुड़ सकते हैं, उसपे हम अच्छे अच्छे जो है वो करंट अफेयर या बाकी क्विज जो है वो अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जो है अच्छा कंटेंट आ रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है आपके। हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10th लेवल के लिए जो है, इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की जनरल नॉलेज जो है वो आपको होनी चाहिए, कितने पीरियड है, कितने ग्रुप है इस पीरियोडिक टेबल में। तो याद रहे कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए होगा, 7 पीरियड 18 ग्रुप्स होगा। और जैसे यहाँ पर 8 पीरियड 7 ग्रुप, इस तरीके से आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे, बट आपको याद रखना है 7 पीरियड होते हैं और 18 जो है वो ग्रुप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बेस है वो कौन सी है इनमें से? देखिए हमारे को पीरियोडिक टेबल जो है बहुत सी क्लासिफिकेशन की गई है, जैसे कि मेंडेलीव ने दिया है, उससे पहले डोबरनियर ने पीरियोडिक टेबल दिया है, डोबरनियर के बाद मेंडलीव आते हैं, मोसले आते हैं, बहुत से जो है पीरियोडिक टेबल की जो है क्लासिफिकेशन करने आए थे। लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी बेसिस क्या है? क्या वो एटॉमिक मास पे बेस है, क्या वो एटॉमिक नंबर पे बेस है, क्या वो न्यूक्लियस ऑफ नंबर एंड न्यूक्लियस पे, या ऑल ऑफ दिस? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एटॉमिक नंबर पे बेस है। और आज हम जानते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज किए जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे किए जाते हैं, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे किए जाते हैं। तो कितने हमारे पास जो है 118 के आसपास जो है वो प्लस माइनस जो है वो हमारे पास जो है वो टोटल एलिमेंट्स है, कुछ नए एलिमेंट्स भी रिसेंटली ऐड हुए हैं। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन से। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द ग्रुप 18 एलिमेंट। तो आपको जो ग्रुप 18 एलिमेंट है, जैसे कि अभी हमने कहा कि इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ये ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल की वीडियो जो है अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल पे ढूंढ कर पीरियोडिक टेबल बाय होम एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। तो हर ग्रुप का जो है वो नाम पता होना चाहिए, ग्रुप जो 18 होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप 1 कौन सा होता है, ग्रुप 2 कौन सा होता है, ठीक है, नोबल गैसेस का ग्रुप कौन सा है, हैलोजेंस का कौन सा ग्रुप होता है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो नोबल गैसेस होगा। ग्रुप 18 जो होता है वो कौन सा ग्रुप होता है, वो 18 जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, वो नोबल गैसेस का ग्रुप होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली
नॉन एज फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, किसे कहा जाता है फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया? तो हमारे पास ऑप्शन जो है दिए गए हैं, ये हमारे पास चार ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवेलिस को कहा जाता है फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल फाउंडेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया? कौन से वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो इंडिया में लाया, ठीक है, तो किन्होंने इसकी बुनियाद जो है वो इंडिया में रखी है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लॉर्ड डेलहौसी है। तो याद रखेंगे लॉर्ड डेलहौसी के बारे में, इन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है वो इंडिया में लाया है। क्वेश्चन नंबर 22, द इंग्लिश वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द राइन ऑफ विच गवर्नर जनरल? इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसे जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की बनाया गया है अंडर द राइन ऑफ विच गवर्नर जनरल? किसने बनाया, ये नहीं बल्कि किस टाइम में बनाया गया है, किसके दौर में बनाया गया है, ये क्वेश्चन जो है वो आपके पास है, तो आपको याद रहे लॉर्ड विलियम बेंटिक के राइन में जो है इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 होगा, जियोग्राफी से रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लिंक दैट श्रीनगर टू लेह? वो कौन सा पास है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? पहला ऑप्शन माना पास, रोहतास पास, नथुला पास है, जोजिला पास। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आप सभी जानते हैं जो है जोजिला पास है, क्योंकि जो है वो पढ़ाया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा? तो यहाँ अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे, यहाँ पर कहीं गोवा है छोटा सा, उसके साथ जो है वो कर्नाटका शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में एक वाटरफॉल भी है। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा? तो ये जो बाउंड्री में बनाता है इनके बीच में, वो कौन सा वाटरफॉल है? तो आपको याद रहे ये दूध सागर फॉल है। कौन सा वाटरफॉल है? दूध सागर वाटरफॉल है, जो कि बाउंड्री बनाता है कर्नाटका और गोवा के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर? दिए गए हमारे पास कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जो कि मैंने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया हुआ है बहुत पहले, आप वो वीडियोस देख सकते हैं सर्च कर। तो पूछा गया है कि कौन सा वो विच आर द फ्लोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस रिवर सिस्टम की, ठीक है, तो वो कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? शायोक जो है वो ट्रिब्यूटरी है, गिलगित भी ट्रिब्यूटरी है, कजास्कर भी ट्रिब्यूटरी है, लूनी जो है वो इंडस वाटर की जो है वो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है वो वीडियोस अपलोड करते हैं आपके JKSSB एग्जामिनेशन के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल है होम अकेडमी, जो है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बैंकिंग के रिलेटेड, और फ्यूचर में जो है अभी नई जो JEE की वीडियोस जो है इस सेशन के बाद जो है वो अपलोड की जाएगी, जब आपके ये आपके JKSSB की कंप्लीट हो जाएगी, और तो साथ ही SSC CGL के रिलेटेड भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं। तो आज का जो है वो करंट अफेयर से बल्कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो होगा वो एक दो पॉइंट होंगे जो कि आपको आंसर देने होंगे। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होल्ड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 में? तो कौन सी स्टेट है या वो यूनियन टेरिटरी है जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है 2020 में जो है वो होस्ट करने जा रही है? क्या लद्दाख है, गोवा है, कर्नाटका है या महाराष्ट्र है? तो इसका ऑप्शन जो है आप आंसर जो है वो देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएसएमई क्या होता है? ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर जो कि कौन है, नितिन गडकरी है। रिसेंटली अनवील्ड द माइक्रोवेव डिवाइस दैट कैन डिस इंटेग्रेट कोरोना वायरस, व्हाट इट इज कॉल्ड? एक जो है वो डिवाइस बनाई गई है, माइक्रोवेव डिवाइस बनाई गई है जो कि डिस इंटीग्रेट करता है कोरोना वायरस को, ठीक है, तो कुछ एरिया किस पता नहीं कितना एरिया है इसका डिस्टेंस में जितने को ये डिस
ये कर लेता है, डिसइंफेक्टेड करता है एक्चुअली में, डिसइंटीग्रेट लिख दिया है। तो उसका नाम बोलिए, तो सक्षम है, काली है, सत्य है या अतुल्या है, ठीक है? तो इसका नाम जो है वो आपको बोलना होगा। तो यहाँ पर ये याद रख लेना, जो फिल्म फेस्टिवल है वो गोवा में ही होंगे, शायद गोवा में ही होंगे। आप जो है वो उसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो देंगे। तो हमने जो है करंट अफेयर की वीडियो जो है वो अपलोड कर ली है, तो आप उसको जो है जाके ज़रूर देखें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो स्पीच दी है 15 अगस्त से, और स्पीच से जो कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो है वो पॉलिसीज जो उसमें डिस्कस की गई है उनको एक बार जाके जो है वो ज़रूर देख लीजिए। अभी जो है रिसेंटली सुबह मैंने मॉर्निंग में वो अपलोड की है, तो आप उसे जो है वो जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, एक क्वेश्चन उसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।